कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर हमारे इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं उनको पॉलिटिक्स में भेजा जाए तो कौन सा क्रिकेटर किस पॉलिटिशियन के रोल में बेस्ट रहेगा। हमने ना एक लिस्ट बनाई है, जरा देखिए और हमें बताइए आप इससे कितना अग्री करते हैं। लेट्स टेक अ लुक, स्टार्टिंग विद विराट कोहली एज नरेंद्र मोदी। मित्रों देखिए, जितना इम्पोर्टेंट एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए होता है, बिल्कुल उतना ही इम्पोर्टेंट एक अच्छा कैप्टन अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए है। एंड आई थिंक इस टाइम जो नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ वैसा ही विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों ही कितने अच्छे लीडर्स हैं ये वो टाइम टू टाइम शो करते ही रहते हैं। इनफैक्ट दोनों ही काफी ज्यादा बोलते भी है, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं कई बार, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इसके अलावा नेक्स्ट कौन है इस लिस्ट में, आइए उस पर नजर डालें। इस लिस्ट में अगला नंबर है रवि शास्त्री एज अमित शाह का। देखिए, जितने इम्पोर्टेंट अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए हैं, कुछ वैसे ही इम्पोर्टेंस है रवि शास्त्री की विराट कोहली की लाइफ में। अमित शाह जिस तरह हमेशा नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते नजर आते हैं, उनकी बैकबोन बनी हुई नजर आते हैं, बिल्कुल वैसा ही विश्वास रवि शास्त्री विराट कोहली में जताते हैं। तो हुए ना रवि शास्त्री अमित शाह जैसे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज रोहित शर्मा एज राहुल गांधी। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात के अग्री ना करें, बट हमारा रीजन तो सुनिए। देखिए क्या है, कई बार खबरें आती हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में किसी न किसी बात को लेके मनमुटाव है, दोनों किसी बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे पर हमेशा निशाना ही साधते रहते हैं। इनफैक्ट सपोर्टर्स की भी बात करें तो रोहित शर्मा के सपोर्टर्स कहते हैं कि रोहित विराट से बेहतर कैप्टन साबित होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस सपोर्टर्स कहते हैं कि जो बात राहुल गांधी में है वो बात मोदी जी में नहीं है, बस एक बार मौका तो मिले राहुल गांधी को पीएम बनने का। तो हुए ना उस लिहाज से रोहित शर्मा राहुल गांधी जैसे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव सचिन तेंदुलकर एज मनमोहन सिंह। अच्छा, दोनों इतने सीनियर हैं अपने करियर में, अपनी फील्ड में, कि इनका कंपैरिजन तो बनता है। दोनों ने अपने करियर में इतना कुछ अचीव किया है। सचिन तेंदुलकर को तो पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है, और मनमोहन सिंह भी एज एन इकोनॉमिस्ट एंड एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी छाप छोड़ के गए हैं। यानी कह सकते हैं कि दोनों में कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो है। और एक ये भी बात है कि दोनों अपने अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भी बोलते हैं। इनफैक्ट खासकर मिस्टर सिंह तो बहुत ही ज्यादा कम बोलते नजर आते हैं, लेकिन दोनों का एक जो कंपैरिजन है मुझे तो काफी हद तक सही लग रहा है। इसके अलावा हमारी लिस्ट में है चेतेश्वर पुजारा एज शशि थरूर। जब बात हो अपनी स्किल और अपने गेम की नॉलेज की तो चेतेश्वर पुजारा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन आवर कंट्री राइट नाउ। और सिमिलरली शशि थरूर भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट पॉलिटिशियन माने जाते हैं। लेकिन क्या है, दोनों का जो फैन बेस है, फैन फॉलोइंग है, बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हर कोई शशि थरूर का दीवाना है या हर कोई चेतेश्वर पुजारा का दीवाना है, लेकिन जितना भी फैन बेस है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिक है। इस हिसाब से हमारे लिए ये कंपैरिजन बेस्ट है। देखिए, हमने तो पूरी लिस्ट बता दी है, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हमसे कितने सहमत हैं, या आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर मिस आउट हुआ, या और क्या बेहतर कंपैरिजन हो सकता था। फटाफट से कमेंट कीजिए और देखते रहिए ट्विटर।